नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी में। वार्ड नंबर जो है 75 है और हमारे साथ मौजूद है राजेश राजौरा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से तिगड़ी में जो 75 वार्ड नंबर 75 है यहाँ के मंडल में महामंत्री हैं और साथ ही समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनको उनका समाधान करने का एक प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश राजौरा जी, आइए इनसे बात करते हैं क्षेत्र की समस्या को लेकर, कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, भारतीय जनता पार्टी से आपका जुड़ाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी से आपने जुड़ने के लिए क्यों सोचा? आप कांग्रेस में भी थे और उसके बाद आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़ सकते थे, जो कि सत्ता में है दिल्ली प्रदेश के अंदर, उन्हीं के 67 विधायक हैं दिल्ली के अंदर, तो आपने बीजेपी ही क्यों चुनी? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो लोकप्रियता है और उनका काम करने का जो तरीका है, उसकी वजह से जो देश हित के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से मेरा जो जुड़ना हुआ है उनकी वजह से हुआ है। दूसरा, हमारे सांसद साहब श्री रमेश विदुड़ी जी हैं, जो हमारे नेता जी हैं, उनसे प्रभावित होकर के, उनके काम को देख करके मैं उनके साथ में जुड़ा। मैंने देखा कि सबका साथ सबका विकास, ये हमारा जो प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, वो रमेश विदुड़ी जी ने बखूबी उसको निभाया है। आज क्षेत्र के अंदर एक काम आम कार्यकर्ता की तो छोड़िए, एक आम आदमी भी अगर किसी अपने बच्चे की शादी करता है और सांसद साहब को बुलाता है, तो वो सांसद साहब जो रात के 2 बजे या 1 बजे अपने क्षेत्र में उस बच्चे की शादी के अंदर भी चले जाते हैं। आप छोटे से कोई भी प्रोग्राम कीजिए, आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या है, आप बुलाइए सांसद साहब को। आप दिल्ली में सारे सातों सांसदों में अगर कहीं भी विकास की बात करोगे, तो हमारे रमेश विदुड़ी जी जो सांसद साहब हैं, वो आपको हमेशा किसी भी टाइम में 24 घंटे में किसी भी टाइम आप बुलाएंगे, वो आपके पास नज़र आएंगे। सर, अगर बात करी जाए देवली विधानसभा की समस्याओं को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा आपने देखा होगा एक ऐलान किया गया था सीवर लाइन डालने का, हर विधानसभाओं में सीवर का काम डाले जाएंगे सीवर, और बड़े बड़े होर्डिंग भी दिल्ली की सड़कों पे लोकसभा चुनाव से पहले लगते हुए हम लोगों ने देखी थी, तो क्या लगता है आपको, देवली विधानसभा में सीवर का काम हो रहा है कहीं विधायक के द्वारा? देखिए, आप भी क्षेत्र में काफ़ी जगह घूमे हैं और घूमते रहते हैं, आप मुझे बता दो पिछले 4.5 साल में किस एरिए में काम आपको नज़र आता है? हमारे पूरे देवली विधानसभा की अगर बात की जाए, तो पिछले 4.5 सालों के अंदर कोई भी काम नज़र नहीं आता। उल्टा जल माफिया सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की, लेकिन पानी की निकासी आज तक नहीं हुई। जब ये सत्ता में आए कि हमने इन्होंने कहा कि हम 500 सरकारी स्कूल बनाएंगे, 22 कॉलेज बनाएंगे, आप मुझे बता दो कि पूरी विधानसभा के अंदर अगर एक भी कॉलेज देवली विधानसभा में एक भी कॉलेज या एक भी स्कूल खुला हुआ तो हमें बता दीजिए आप। उल्टा ये कहते हैं कि हमने सरकारी स्कूलों के का स्तर जो है बहुत बढ़िया बढ़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से और यहाँ के विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप सरकारी स्कूलों में किसी भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर जब आप चले जाइए, बच्चों का एडमिशन ही नहीं होता। अभी 20 तारीख की बात बता रहा हूँ, 20 अगस्त से लेकर के 1 नवंबर तक हम देवली में एक पहाड़ी स्कूल पे सरकारी स्कूल है, यहाँ चक्कर काटते रहे, 6th क्लास के बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। मेरा ही नहीं, आप जाकर के देख लिए, इन्होंने बोल रखा कि बी ब्लॉक का और सी ब्लॉक का जो एडमिशन होगा वो सर्वोदय विद्यालय में होगा बच्चन सिंह प्रसाद के अंदर, लेकिन नहीं, वहाँ बच्चे को एडमिशन कहाँ हो रहा है? खानपुर में जाकर के। एक 6th क्लास का बच्चा जो 9 साल का 10 साल का बच्चा है, वो खानपुर से क्या पैदल आ सकता है? उसके माँ बाप क्या काम पर जाएं या बच्चे को लेने के लिए जाएं? तो इन्होंने जितने भी वादे किए हैं ना, अब इन्होंने कहा कि हम हर जगह सीवर लाइन डाल देंगे, आज मुझे बता दीजिए संगम विहार में किसी भी एरिए के अंदर सीवर लाइन डली हुई है? इन्होंने कहा हम पानी ला देंगे, पानी के लिए कहीं भी लाइन नहीं डली हुई। अगर कहीं लाइन आज 3-4 महीने हुए हैं, 3-4 महीने से इन्होंने क्या कर रखा है कि ए ब्लॉक के अंदर एक गली के अंदर एक लाइन डाल दी या 2 लाइन डाल दी, फिर आगे चल दिए, सिर्फ क्या है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना। बरात घर की अगर बात करी जाए, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बरात घर भी कहीं बनाए आपके क्षेत्र के अंदर, क्या कहेंगे आप? गरीब लोग अगर शादी कराना चाहते हैं तो उनके लिए कोई बरात घर है? देखिए, जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, एक भी बरात घर नहीं बनाया।
पुराने जो पुराने बारातगृह चल रहे हैं उनकी भी स्थिति इस तरीके से है कि अगर कोई बड़ा कोई आदमी प्रोग्राम करता है तो उसमें आदमी आ ही नहीं पाते, छोटे बारातगृह हैं, प्रोग्राम हो नहीं पाता तो इसका है। मतलब शादी भी नहीं हो पाती होगी बारातघर में, तो बारातघर किस चीज़ के लिए फिर? भाई यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि बारातघरों में सुविधा ही नहीं है। अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसके अंदर मान लो 500 आदमी की गैदरिंग भी ढंग से नहीं हो सकती, और एक छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी 500 से 1000 आदमी आ जाते हैं। कुल मिला के ये कहा जाता है वो बारात घर की जगह सिर्फ वो मीटिंग घर बन के रहेगा, वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ही कह सकते हैं कि वो मीटिंग घर है। और अभी जो हमारे पहाड़ी पे बारात घर बना हुआ है देवली विधानसभा के अंदर शिव ब्लॉक के अंदर, उसमें तो जब ये विधायक चुन करके आए थे उस बारातघर को इन्होंने ऑफिस बना लिया था। अच्छा, ये तो जब पब्लिक ने विरोध किया तब जा करके वो बारातघर को छोड़ा गया, एक छोटे से उसके अंदर भी कब्जा करने की कोशिश की इन्होंने, तो ये स्थिति है हमारी। सर जैसे कि आपने अभी जल माफिया की बात करी है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहा जा रहा है लोगों के मुताबिक कि जब से प्रकाश जारवाल यहाँ पे विधायक बने हैं तब से जो है जल माफिया तो बड़ा ही है, साथ में जो है ना प्राइवेट टैंकरों के द्वारा ये लोग उगाही का काम करते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए ये तो जगजाहिर है कि दिल्ली जल बोर्ड में जितने भी टैंकर लगे हुए हैं जो सुनने में आता है कि सबकी मंजिल बनी हुई है, पब्लिक को जो पानी मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। अगर जो मिल भी रहा है, अगर कोई टैंकर वहाँ जाकर के बुक करा देता है तो जितने भी पब्लिक वहाँ से पानी भरती है 500 लीटर पानी पे 50 रुपये 1000 लीटर की टंकी पे 100 रुपये देना ही पड़ता है। वो इनके क्या नाम है कार्यकर्ता हैं जो इसकी उगाही करते हैं और अपनी जेबों में जेब भर रहे हैं। रही प्राइवेट टैंकर होगी, आप एल ब्लॉक में के सेकंड के अंदर जी ब्लॉक में कहीं भी चले जाइए कहीं भी पानी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि प्रकाश जारवाल जी उद्घाटन करने के लिए आए थे और वहाँ पब्लिक ने किस तरीके से उनका विरोध किया और किस तरीके से उनके कपड़े फाड़े ये जग जाहिर है। पिछले 4.5 साल हो गए प्रकाश जारवाल जी को यहाँ पे विधायक बने हुए, क्या जनता के बीच कभी जन संवाद उन्होंने किया, जनसभा करी है उन्होंने, क्या लगता है आपको हुआ है कभी, सुनाई में आया ऐसा कुछ? भाई हमारे एरिया में तो पता नहीं, अगर कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हो तो उसको तुम कह नहीं सकते। जनता के बीच में कभी जाते हुए आपने? जनता के बीच में तो हमने आज तक जाते हुए देखा। हाँ अभी उद्घाटन जरूर करने के लिए आ रहे हैं वो, पिछले 4.5 साल तक तो कोई उद्घाटन उन्होंने किए नहीं, लेकिन अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो चुनावों में वो उद्घाटन कर रहे हैं। और उद्घाटन भी किस तरीके से कर रहे हैं, अगर पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन कहीं डाली जा रही है तो ए ब्लॉक की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जबकि ए ब्लॉक उनके घर के पीछे ही है बिल्कुल, वहाँ एक दो गलियों में तो पूरी पूरी लाइन डाल दी उन्होंने, कुछ गलियों में क्या कि दो पाइपलाइन डाल दिए फिर वहाँ छोड़ दिया, फिर उससे अगली में दो पाइपलाइन डाल दी फिर छोड़ दिया, फिर उससे अगली में किसी में एक डाल दी, यह है उनका कार्य। अच्छा जैसे कि ये भी कहा जा रहा है जो आपका 75 नंबर वार्ड जो है जहाँ पे आप वहाँ के मंडल में महामंत्री हैं तो उनकी जो मिसेज है वो वहाँ से शायद निगम पार्षद हैं। बिल्कुल, तो क्या लगता है आपको साफ़ सफाई दुरुस्त है कहीं नालियों वगैरह की कूड़े की? देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम तिगड़ी के अंदर गए हुए थे बरादर के पीछे ही पार गए, वहाँ हम जो हमारा प्रोग्राम था क्या नाम है सदस्यता अभियान का, भाजपा का एक सदस्यता अभियान चल ही रहा है आपको पता ही है, वहाँ गए तो पब्लिक ने हमारे से सीधा संवाद किया जी कि हमारी सफाइयाँ तो करा दो, ये देखो सीवर लाइन निकल के जा रहा है, आप ना हमें सदस्य तो बनाना चाहते हैं लेकिन हमारी ये सफाइयाँ तो कराओ। तो हमने कहा बहन जी क्या नाम है ये जो यहाँ की कौंसलर है वो उनसे बात कीजिए ना आप, भाई सफाई का काम तो उनका है। लेकिन सर निगम में तो आप लोग हो, बीजेपी निगम में है, मेयर आपका है, सरकार आपकी? नहीं मेयर हमारा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौंसलर कौन है, कौंसलर तो आम आदमी पार्टी का ना, और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी का कौंसलर है और आम आदमी पार्टी का विधायक, और सबसे बड़ी मैं बता दूं कि जनता ने जब कौंसलर चुना था तो वो ये सोच के समझा था कि भाई आम आदमी पार्टी का भी विधायक है और कौंसलर भी हमारी आम आदमी पार्टी का भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है हमारे इस विधानसभा का और क्षेत्र का तिगड़ी वार्ड का कि दोनों मियां बीवी होने के बावजूद भी, मैं बीवी इसलिए कह रहा हूँ कि तो हस्बैंड वाइफ हो गए हैं बाद में, कि
जो क्षेत्र का विकास जो करेंगे मिलकर के करेंगे, एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाएंगे कि भाई आज ये बीजेपी का था कल ये कांग्रेस का था इसलिए काम नहीं हो रहा। लेकिन आज दोनों एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहे, सीवर निकल निकल के जा रहा है। सर चलते आपसे एक आखिरी सवाल, अगर 2020 के विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 5 महीने का समय शेष है, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर आता है तो क्या आप लोगों की प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र के जनता के प्रति? देखो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी होगी कि सबसे यहाँ जो जरूरत है जो है पानी की, पानी निकासी की, वो हम पानी निकासी का काम करेंगे यहाँ सबसे पहले। दूसरा काम हुआ हमारा पीने का पानी, जो कि यहाँ की जनता को बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं मिल रहा, सिर्फ टैंकरों पर निर्भर हैं और जनता परेशान है। तीसरा काम होगा रोड और नाली होगा, और चौथा काम होगा बिजली का, जो कि बिजली अब क्या है कि रोज़ डेली जैसे इन्होंने कहा है कि 200 यूनिट हम तक माफ़ करेंगे, रात को बिजली क्या नाम है पूरी रात रात भर बिजली लाइट नहीं होती। मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ कि मैं पिछले 4-5 दिन से हमारे जो घर में इन्वर्टर रखे हुए हैं वो भी फेल हो जाते हैं और 3-4 अभी तक लाइट ही नहीं आती है। ये थे हमारे साथ राजेश राजौरा जी, इनके मुताबिक दिल्ली सरकार और यहाँ के जो विधायक हैं प्रकाश जारवाल, इनके द्वारा पिछले चार साल में जो क्षेत्र में विकास होना चाहिए सही मायने में, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलना चाहिए उस पर उनके द्वारा कोई भी काम नहीं हुआ। साथ ही हमने इनसे बात करी, अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर देवली विधानसभा के अंदर आता है तो उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, तो उन्होंने कहा जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि पीने का पानी हो गया, पानी की निकासी होगी, सड़क होगी और बिजली होगी, ये जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को चाहिए रोजाना इस पर उनको जो विधायक आएगा वो काम करेगा। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लगभग 5 महीने का समय शेष रह गया, अब देखना ये है क्या भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पे चुनकर आता है या आम आदमी पार्टी का ही विधायक जनता चुनेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए हमका 24/7 के साथ। धन्यवाद।